नमस्ते, मेरा नाम है कुलदीप मिश्र और एक कविता रोज में आज देवी प्रसाद मिश्र की कविता मुसलमान। कहते हैं कि वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं कि वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे, ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना, मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे, वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, वे तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सीस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए, वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे, वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थी। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीर बिखेर देते थे, निर्माण के लिए वे बेचैन थे, वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए। वे प्रायः इस तरह होते थे कि प्रायः पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे, वे मुसलमान थे। वे न होते तो लखनऊ न होता, आधा इलाहाबाद न होता, मेहराबें न होती, गुंबद न होता, आदाब न होता, मीर मखदूम मोमिन न होते, शबाना न होती। वे न होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो न होता। वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर न होता। वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब न होता। मुसलमान न होते तो 1857 न होता। वे थे तो चचा हसन थे, वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे, वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वो खुश होते थे, वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना PAC के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे, वो मेरठ से डरते थे, वो भागलपुर से डरते थे। वो अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे, वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वो फलस्तीनी नहीं थे लेकिन अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे, वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे, वे कपड़े सिलते थे, वे ताले बनाते थे, वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाज़ें पूरे शहर में गूंजती रहती थी। वे शहर के बाहर रहते थे, वे मुसलमान थे लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे, अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं यमुना का पानी पीते थे, वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे, वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज़्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं, कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद एक दूसरे हादसे की खबरें आती थी। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थी, बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे, वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज्यादा बार सिर पटकते थे, वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें, वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें, हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे, वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं, लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे कि यहीं रह जाएं, तो नहीं रह सकते थे। वे आधा जिबह बकरे की तरह तकलीफ के झटके महसूस करते थे। वे मुसलमान थे इसलिए तूफान में फंसे जहाज के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोगों ने ये बहस चलाई थी
कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए, बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे लेकिन वे चींटियां नहीं थे, वे मुसलमान थे वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे, वे सिंधु और हिंदुकुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता हो उस तरह वे सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे, वे मुसलमान थे अफवाह नहीं थे, वे मुसलमान थे।